गाइस, ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग था गोप्रो के साथ। तो आपको पता ही होगा, अगर आप हेलमेट में गोप्रो लगाए हो, पीछे पिलियन बैठा हो, तो आप थोड़ा सा घबराए होंगे। ठीक है, पहली बार मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस पहली बार था कि मैं गोप्रो लगा के पीछे पिलियन बैठा के चला रहा था, इसलिए मैं धीरे धीरे ही चला रहा था ताकि मेरा कोई गलती ना हो, इसलिए मैं चला रहा था धीरे धीरे। और जिसका डर था वही हो गया। एक छोटी सी बच्ची थी, एक मोड़ के सामने आई, थूक गया दोनों के बीच। और एक्चुअली गलती उसका भी नहीं था, मेरा भी नहीं था। एक्चुअली वो बच्ची है, उसको साइकिल चलाने का भी सेंस नहीं है, कहाँ पर स्लो करना है, कहाँ पर स्पीड करना है, कहाँ पर ब्रेक मारना है, ये सेंस उसको नहीं था। इसलिए हम लोग उसे कुछ कह नहीं सके। सो क्या कह सकते, जो होना है वो होकर ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना तभी समझ पाओगे क्या किसकी गलती है या फिर नहीं। मैं गलती की बात नहीं कर रहा, पर फिर भी आपको जानना चाहिए कि क्या हुआ था। इस एक्सीडेंट से पहले मैंने इस वीडियो में बोला था कि भाई मैं इससे पहले ज़्यादा नहीं घबराया, लेकिन आज मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। मतलब ये बात कहने के कुछ देर बाद ही ये एक्सीडेंट हो गया। देखो कुछ देर बाद ये बात मैं कहूँगा इस वीडियो में, देख लेना। जो बंगाली है उन्हें समझ पा, वही लोग सिर्फ समझ पाएंगे इस बंगाली लैंग्वेज को। গোপ্রো লাগানোর পরে যেন মানে মোড়টা দিয়ে কেমন কেমন একটা হচ্ছে, বুঝলি তো? না না, এই যে রেকর্ড হচ্ছে না, এই জন্য আমার কেমন হচ্ছে। আজ পর্যন্ত আমি অনেক চালিয়েছি ভাই, এমন এমন গ্যাপ মেনেছি না। তুই যদি এই ভিডিও থাকতো তুই ভাইরাল হয়ে যেতো।
কোথাও নিয়ে গেছে তো আসলে রুমাল আছে তোর হাতে? হ্যাঁ আমি দেখতাম।